हिंदू धर्म में करवा चौथ का बड़ा महत्व है। सुहागिन महिलाएं इस दिन चांद से अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं, लेकिन इस बार उसी चांद पर लगने वाला है ग्रहण, और वो भी ठीक करवा चौथ से 3 दिन पहले। कहीं ये चंद्र ग्रहण करवा चौथ पर कोई ग्रहण तो नहीं लगने वाला? कहीं इस ग्रहण का कोई उल्टा असर तो नहीं पड़ने वाला? क्या आपकी जिंदगी पर इसका असर पड़ सकता है? ये ग्रहण किसी शुभ या अशुभ संकेत की आहट तो नहीं? किस राशि पर पड़ने वाला है, कैसा असर? आइए आज इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ आचार्य जी मौजूद हैं, उनसे तमाम सवालों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले आचार्य जी, मेष राशि के बारे में ही मैं जानना चाहूंगी। मेष राशि वाली जितनी भी स्त्रियां हैं, करवा चौथ का व्रत रखने वाली हैं, क्या उन पर इसका असर पड़ सकता है, और अगर असर पड़ सकता है तो किस तरीके से उन्हें पूजा पाठ करनी चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए मेष राशि वाली जो जातिका हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, उनके लिए थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। अपना जो भी व्रत जिस तरह से भी आप करते हैं, बहुत ही संभल कर करें, विधि विधान से करें। विधि विधान आप सबको पता ही है, और हमारे न्यूज नेशन के माध्यम से सारे विधि विधान आपको हमेशा जब जब पर्व आता है आपको पता लगता रहता है, तो ये देश के लिए बहुत बड़ी बात है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मेष राशि पर ही स्थित चंद्रमा थे और चंद्रमा का ग्रहण पड़ चुका है, तो चंद्रमा जी क्योंकि इस बार ये राशि थोड़ी सी प्रभावित है, तो इस बार मेष राशि की जो भी जातिकाएं हैं, बहनें हैं, उन सबको चंद्रमा के लिए थोड़ा सा दान करना पड़ेगा। जैसे 2 किलो चावल सफ़ेद कपड़े में बांध करके दान करना है, और दही भी दान कर सकते हैं, इससे चंद्रमा जी बहुत प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में उत्तमताएँ आएंगी। और अपने जो भी व्रत आप करते हैं उसको आप विधि विधान से करें, और अपने पति का ध्यान करते हुए, चंद्रमा का ध्यान करते हुए, तो ये चीज़ें चंद्रमा का यदि आप दान करेंगे तो मेष राशि वाली जो भी जातिकाएँ हैं उनको निश्चित चंद्रमा जी प्रसन्न होकर के और शुभ आशीर्वाद प्रदान करेंगे। बिल्कुल, मेष राशि की हम बात कर रहे हैं, ये भी देखा जाता है इस दिन खासतौर पर महिलाएं लाल रंग पहनती हैं, लेकिन मेष राशि वाली जितनी भी स्त्रियां हैं, क्या उनके लिए कोई और रंग शुभ हो सकता है? कुछ खान पान विशेष, या फिर माँ गौरी की पूजा तो हम करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा किस और भगवान को ये स्त्रियाँ याद कर सकती हैं? क्योंकि इसमें रंग तो मेष राशि वाली जो बहनें हैं उनको लाल ही पहनना चाहिए, क्यों, लाल रंग बड़ा ही सौभाग्यमय होता है, तो लाल है, हरा है, पीला है, पीला पहन सकते हैं, क्योंकि पीला मित्र रंग है लाल का। मेष राशि का मित्र जो है बृहस्पति, बृहस्पति का रंग पीला होता है, तो पीले वस्त्र भी पहनकर पूजा कर सकती हैं, और इससे उनको निश्चित लाभ होगा। बिल्कुल, मेष राशि की तो हमने बात कर ली, आगे बढ़ते हुए वृष राशि की बात करते हैं। वृष राशि की जितनी भी महिलाएं हैं वो किस तरीके से विशेष पूजा अनुष्ठान इस बार कर सकती हैं, किस तरह से भगवान और माता गौरी को याद कर सकती हैं? देखिए वृष राशि वाली जो माताएं बहनें हैं वो बहुत अच्छे से व्रत करें, चंद्रमा जी को दिव्य अर्घ प्रदान करें, और अर्घ में थोड़ा सा दही जरूर डाल लें, क्योंकि दही चंद्रमा का ही दूसरा स्वरूप है। दध शंख तुषारावम क्षीरोदारणव संभवम, शास्त्र में लिखा है कि चंद्रमा की जो चमक है, चंद्रमा का जो स्वरूप है, वो दही से मिलता हुआ है, तो दही को डाल करके अर्घ प्रदान करें। और वैसे भी आज बुधवार है, बुधवार में प्रातःकाल वृषभ राशि में ही सूर्य उदय हो रहे हैं, शाम को और दोपहर में आपको वृषभ राशि मिथुन राशि में चंद्रमा आ जाएंगे, तो क्योंकि वृषभ राशि वाले, और भगवान चंद्रमा जी का अर्घ प्रदान करें और पूजा करें।